नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। बीकानेर लोकसभा का हिस्सा है ये विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे विरले शख्स जिनके बारे में जानकर आप हैरान होंगे कि ये विधायक रहे हैं। खेत खलियान के बीच खाट पर बैठे हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक गिरधारी लाल मैया, डूंगरगढ़ के विधायक हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डूंगरगढ़ से विधायक रहे हैं, सीपीआई से और सीपीएम कॉमरेड से विधायक रहे हैं 2018 से 23 के बीच। इस बार का चुनाव ये हारे हैं यहाँ से, बीजेपी के ताराचंद सारस्वत यहाँ से चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हमारा पहला सवाल होगा, डूंगरगढ़ की क्या स्थिति है, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी तरफ झुकाव? देखिए, ये इलाका पूरा बीकानेर जिले का, डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, जो यहाँ ज्यादातर मतलब क्या कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश है। हम यहाँ सीपीएम और कांग्रेस जब दोनों चुनाव लड़ रहे थे तो दोनों के अगर वोट मिलाते हैं आप चुनाव के हिसाब से देखते हो तो हमारा अंतर 1000 का था कांग्रेस और सीपीएम का, और जीतने वाले उम्मीदवार का 7000 का। तो दोनों अगर वोट मिलाते हैं तो अगर वोटिंग होती है तो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मुझे भारी बढ़त इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार गोविंदराम मेघवाल ज़्यादा भारी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी से जो चुनाव लड़ा था बीएसपी का उम्मीदवार नहीं, वो कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया, वो 6000 वोट ले गए थे। आरएलपी का गठबंधन है, वो 3300 वोट ले गया था। तो सारे बोर्ड जोड़ के अगर देखते हैं तो बोर्ड पोल होते हैं तो निश्चित रूप से श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार वजनदार ज्यादा बढ़। गोविंदराम जी, हम बात करें लोकल मुद्दों की, बीकानेर क्षेत्र के लोकल मुद्दे, आपके सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल, क्या क्या काम हुए उनके कार्यकाल में और आज तक क्या क्या काम नहीं हुए हैं जिन मांगों पर ये चुनाव है, और बीकानेर की जनता आपके प्रत्याशी को, अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुने तो क्यों चुने? देखिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जब से छात्र राजनीतिक समझ पकड़ी उससे जब तक वो संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष के बल पर वो लगातार राजनीति की है। अर्जुन राम जी वर्तमान कानून मंत्री भी हैं केंद्र में, इससे पहले संसद भी यहाँ रहे हैं जब कांग्रेस का राज था। तो जब राज नहीं था तो यहाँ अभी जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो ये सूटसर उप तहसील का क्षेत्र है, सूटसर रेलवे स्टेशन है, वहाँ जब ये बड़ी ट्रैक डाली गई, ट्रेन चली गई, तो वहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकती थी। तो उस सूरत में गांव वालों ने, पूरे आसपास के इलाकों ने, लोगों ने धरना शुरू किया। तो उस टाइम अर्जुन राम जी संसद थे, बीजेपी से ऊपर गवर्नमेंट कांग्रेस की गठबंधन की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस टाइम लंबा संघर्ष चला। तो उस टाइम उन्होंने कहा, उस अनशन में मैं भी साथ में था, वो मांग में जब अनशन तोड़ाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारा तो सरकार नहीं है, सरकार अगर जो आएगी ताकत में आएंगे तो जो नापासर और डूंगरगढ़ स्टॉपेज इस ट्रेन का होगा तो उस ट्रेन का सूट से निश्चित रूप से कराएंगे। तो आज उस बात एक छोटी सी मांग है, उस मांग को वो पूरा नहीं कर पाए। बहुत केंद्रीय मंत्री राज केंद्र में राज है, अब राजस्थान में भी राज हो गया, तो बड़ी ताकत होती है राज के अंदर, जो मंत्री बोल देता है तो उस सूरत में एक तो वो लकीर बन जाती है। तो जितनी लोगों को उम्मीद थी लोकसभा क्षेत्र में मंत्री बनने के बाद, अब वो फायदा मिलना चाहिए था, वो आज तक नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। वो जहाँ भी आप देखो, आज यहाँ डूंगरगढ़ ऐसा क्षेत्र है, अभी पूरे प्रदेश, जब वो जल शासन मंत्री थे उस टाइम, आप था मंत्री थे केंद्र में, तो उन्होंने कहा भी जो पानी केंद्र का जा रहा है, हमारा देश का पाकिस्तान में जा रहा है, इसे रवि नदी का, तो उसको रोक के, अरे जहाँ पानी नहीं है उस पानी वहाँ सिंचित करें उस क्षेत्र को। अभी उन्होंने वहाँ बांध बन गया, पानी भी रुक गया। तो आज तक उन्हें DPR वगैरह जहाँ पानी नहीं लगने की संभावना है, नहीं पहुँचा है, नहर नहीं है, तो आज तक उन्होंने, आज कानून मंत्री बनने के बाद केंद्र में ताकतवर मंत्री है, बीकानेर जिले के
ताकतवर लोकसभा क्षेत्र में ताकत मंत्री हैं, फिर भी वो इस अधिकार जितने होने चाहिए थे, जितना फायदा मिलना चाहिए था, आज वो जनता को मेरे को नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए वो मतलब क्या है कि सिर्फ आस्था के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो कुछ 15 साल 10 साल राज में मंत्री रहे और पहले 15 साल इनका कार्यकाल रहा, तो खुश लोगों की नाराजगी निश्चित रूप से ये वोटों में फर्क डालेगी। किसानी का क्षेत्र है यहाँ, मैंने अमूमन ज्यादातर जब मैं डूंगरगढ़ में घूमा तो खेत खलियान यहाँ पर है। फसल बीमा योजना की बीजेपी सरकार दावा करती है कि हमने सबसे अधिक फसल बीमा योजना है, किसानों को लाभ पहुँचाया, बीकानेर के क्षेत्र में कितना हो पाया संभव? देखिए, ये आप जो सवाल दाग रहे हो फसल बीमा पर, फसल बीमा के अंदर गवर्नमेंट कह रही है हमने ये किया है, जहाँ किसान लड़ा है फसल बीमा के लिए, चाहे चूरू का किसान हो, सबसे पहले जब गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं थी, एनडीए की नहीं थी, उस टाइम भी, ये शुरुआत पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रथम नंबर पर चूरू जिले में बीमा क्लेम वहाँ के किसानों ने लड़के लिया था, किसान सभा के नेताओं ने लड़के लिया था, जहाँ निर्मल प्रजापत है, छगन चौधरी है, उन्होंने ये शुरुआत की थी। वो जो नौकर साथ थे उनको भी पता नहीं था इसका क्या नियम कायदे से ये बीमा क्लेम बनता है, सर्वे किस टाइप का होता है, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। बीकानेर में किसान ये क्लेम की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बीकानेर सबसे कम क्लेम किसान के खाते में आया है, क्यों, कंपनियां और ये नौकर साहब मिले होते हैं तो उनकी समझ के हिसाब से क्या है कि जितना किसान समझ नहीं पाएगा बीमा क्लेम को, तो वो कितना भी अपनी राग अलापे केंद्र गवर्नमेंट, आज तक धरातल पर कहीं भी मेरे हिसाब से, जहाँ यहाँ लड़ाई हमारे संभाग से, चूरू संभाग में अभी चलो सीकर में चला गया, हमारे संभाग से लड़ाई चली हुई थी, यहाँ ये अभी तक के लोग जागरूक नहीं है, तो उस सूरत में मेरे हिसाब से जो क्लेम की जो वो बता दावा कर रहे हैं, वो आम किसान को लाभ, वो कंपनियों को लाभ मिल रहा है, जितनी कंपनियां किसान से प्रीमियम वो लेती है उन उतना वापिस इतना ज़्यादा वसूल हो रहा है, ये कि ज़्यादातर कंपनियों को फ़ायदा पहुंच रहे हैं। आप विधायक रहे, आपके कार्यकाल के दौरान अर्जुन राम मेघवाल तब भी सांसद रहे, बीकानेर से केंद्रीय मंत्री थे, कोई ऐसे आपकी विधानसभा के कार्य जिनके लिए आप उनके पास गए हो, क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? देखिए, केंद्रीय मंत्री के नाते विकास के लिए जब जहाँ कोई भी जो उनका जाना आना तो पड़ता ही है, जनता की मांग पर वो हम कोई संकोच नहीं करते। जब मेरे कार्यकाल में मैं देखता हूँ तो मेरे को तो नज़र नहीं आता यहाँ, निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारा ही उसमें सरकार बचाने में सपोर्ट था, तो जितना काम मैंने देखा है मेरे पीरियड में, जितना आज तक, चाहे डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर हो, उप चिकित्सालय हो, कॉलेज गर्ल्स कॉलेज हो, मुमासर ग्राम पंचायत होते हुए वहाँ हमने वहाँ कॉलेज खोला ही, जितने काम यहाँ मेरे पीरियड में हैं, जो उम्मीद मैं पहले आपको अर्जुन राम जी के बारे में कह चुका हूँ, जितनी उम्मीद थी वो उस नज़रिए से नहीं हो पाया। क्या लगता है, क्या समीकरण रहेगा बीकानेर का इस लोकसभा चुनाव में, बीकानेर की जनता का रुख किस तरफ होगा, ओवरऑल बीकानेर की बात करें आपके अनुसार? देखिए, ऑल ओवर ये लग रहा है कि अगर निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बनने के बाद में एक लोगों में एक जागरूकता आई है, वोट एकजुट हुआ है, जहां बिखराव था वोटों का, जहां कांग्रेस के बीजेपी के एंटी जितने भी वोटर थे, उम्मीदवार थे, जहाँ मैं यहाँ से चुनाव लड़ा तो वो हमारा सपोर्ट इनके इंडिया गठबंधन के हिसाब से, गढ़साणा अनूपगढ़ हमारा क्षेत्र इसमें लोकसभा में पड़ता है, वहाँ सोबासी ढिल्लो चुनाव लड़े थे, वो भी उनको 13,000 वोट मिले थे, वो भी सपोर्ट कर रहा है, वहाँ राशि नगर का क्षेत्र कुछ अनूपगढ़ क्षेत्र में आता है, वहाँ शोपत चुनाव लड़े थे, उनके ब्लॉक 4 ब्लॉक मेंबर भी हैं CPM के, तो जितने भी बिखराव के वोट थे वो आज एकजुट हुए हैं, और एक लोगों में विश्वास जागा है कि अब की बार निश्चित रूप से हमारे रिजल्ट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के को सपोर्ट में आएगा, ये जनता ने एक मन बना रखा है। और
फिर मैं ये खुलासा आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि बीजेपी में धड़ाबंदी नजर आ रही है। वो धड़ाबंदी निश्चित रूप से वो नुकसान करेगी। जो वादे थे मोदी जी ने वादे किए थे, किसान की 22 में दुगनी आय कर देंगे, मतलब 22 में नहीं 24 हो गया, 24 की बात होगी, आज दुगनी आय किसान की दुगनी आय नहीं हुई और कमजोर हुई है 22। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, वो लागू नहीं की। जब मोदी जी 14 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम एनडीए गठबंधन की गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम उन्होंने कहा था 15-15 लाख 16-16 लाख बाहर से काला धन आएगा और आम की जनता के खाते में पैसे डालेंगे, मगर काला धन भी नहीं आया। आतंकवादी आतंकवाद वहीं इतना ही आतंकवाद, आज भी नकली नोट वहाँ चल रहे हैं पूरे। जो लोगों को आस थी नोटबंदी के बाद में, जितनी क्राइस आम आदमी पर, आम व्यापारी पर, आम मजदूर पर जितनी क्राइस हुई है, उससे पीड़ित लोग आज हैं। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट विपरीत अर्जुन राम के खिलाफ जाएगा। लोकसभा चुनाव से इतर हम जाने, आप विधायक रहे हैं, सीपीआई के सीपीएम के विधायक रहे हैं, बलवान पूनिया के पास भी हम गए, अमरा राम जी के पास भी हम गए, सीपीएम पार्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ के विधायक, आप धोरे पे आपका घर है, खेत के बीचों बीच आप बैठे हैं, बलवान पूनिया का घर एक छोटी सी गली में, छोटा सा साधारण जो है जनता का घर होता है उस तरह का घर है, अमरा राम जी भी पूरी तरह सादगी से रहते हैं, नेताओं का घर हम अमूमन देखे तो कोठियां होती है, महल होते हैं, गाड़ियां होती है, आपके पास पुरानी जीप है, ट्रैक्टर है, खाट पे आप खेत में बैठे हैं, कैसे ये एक संभव है इस तरह की? देखिए, जब से राजनीति की समझ पैदा हुई है, मैंने सादा जीवन, पूरा परिवार किसान रहा है, पूरा किसानों की लड़ाई, जब से मैंने इमरजेंसी के भी दौर देखे हैं, जब मेरा जीवन सादगी के रूप में राजनीतिक रूप से हुआ था, निर्वाचित राजनीतिक मेरी 1994-95 में शुरू हुई थी, ब्लॉक मेंबर के रूप में, पंचायत समिति के रूप में, उसके बाद में मैं दोबारा और चुनाव लड़ा, उसको प्रधान भी बना, उसके बाद में मैं जिला परिषद का मेंबर भी दो बार लड़ा, एक बार जीता, तो उसके बाद लगातार अब देख रहे हैं कि मैंने सदैव संघर्ष किया है। मैं 2008 में भी एमएलए का चुनाव लड़ा, मात्र 8,000 वोट मिले। जब राजनीतिक हम शुरू करते हैं तो हम कोई व्यवसाय के रूप में नहीं करते हैं, तो हमारा सेवा का, आम किसान का, मजदूर का, दलित का, शोषित का, मतलब क्या है कि वो हम करते हैं, तो उस सूरत में लगातार जो पूंजीवादी पार्टियां जो राजनीति करते हैं वो प्रतिनिधि वो व्यवसाय के रूप में लेते हैं, एक सीपीएम का समाजवादी रूप में लेते हैं, तो वो साधारण जब राजनीति में उतरता है उनका ये नहीं होता है एमएलए बनेंगे, एक एमपी बनेंगे या मंत्री बनेंगे, उनका तो जनता के द्वारा संघर्ष के द्वारा निकला हुआ वो संघर्ष के रूप में लेते हैं चुनाव को। तो हमने 8,000 वोट मिले थे, उस 13 में चुनाव नहीं लड़ा, बाद में 18 में मैं चुनाव लड़ा, तो लोगों ने अपने ताकत से, अपने बलबूते पर उन्होंने पैसे लगाए, सब कुछ उन्होंने लगाए, अभी जो चुनाव उसमें जनता ने पैसे लगाए, तो आज भी मैं तो लगातार पैसे कोई मान मर्यादा नहीं, आज जो हमने जो कमाई की है जनता का दिल जीता है, जिस जीतना सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो मैल या चौबारे वो सीपीएम में जो समाजवाद में आता था सीपीएम में आया था, उस निश्चित रूप से आप साधन नजर आएंगे सारे। आज डिजिटल मीडिया के इस दौर में आपके पास कीपैड मोबाइल फोन है, विधायक बनकर आप जयपुर पहुंचे, सिविल लाइंस की उन गलियों में, विधानसभा के उस बड़े से भवन में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शुरुआत के दौर में? आपको वहां पे फ्लैट अलॉट हुआ होगा, परिवार को कैसा महसूस हुआ, वहां आप रहते थे तो वहां की लाइफ में और यहां के जीवन में क्या? देखिए, उसमें तो वहां की लाइफ जो सदैव जो साधारण रूप से रहते हैं वही लाइफ अच्छी लगती है, कोई भी इंसान हो चाहे। अब कितने एमएलए रह गया जयपुर में, जहाँ संसार क्षेत्र है वहाँ बड़े क्वार्टर थे जालूपुरा में, वहाँ लंबे टाइम रहा, अभी फ्लैट भी एक जब इन्होंने खाली करवाया तो लोगों को, मतलब क्या जो एमएलए वर्तमान एमएलए को वहाँ रियायत में उन्होंने फ्लैट भी दिए 30 लाख के अंदर, तो वो आज हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जब हम जयपुर में कोई काम होता है तो रात भर अगर निश्चित रूप से सुविधा तो मिलती है, पर जितना हम यहाँ महसूस करते हैं ना उतनी उस साजबाज में, हम चाहे कितना ही बड़ा महानगर हो कहीं, वहाँ इतनी आनंद नहीं आता जहाँ
आम आदमी के बीच में बैठ के बात करते हैं, आराम शुद्ध हवा है, शहर के वनस्पति, जब रात को भी मेरा ये है जहाँ भी कहीं भी जाएं हम गांव में और खेत में आने की जी चाहता है। आपने संघर्ष किया, आपके संघर्ष के बारे में आपने बताया, पर आप विधायक बने, बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की कि सब इस तरह महंगी गाड़ियों में ऐसे घूमते हैं, हमें भी आप क्यों नहीं इस तरह के बंगलो बनाए और गाड़ियां ले, कभी इस तरह की इच्छा नहीं जताई? देखिए वो सब परिवार होता है, वो बात वो मंशा जान लेते हैं कि ये इनकी क्या इच्छा है, तो उनकी जब मेरी आदत विचारों को जान गए तो वो भी समझते हैं कि ये ईमानदारी के रूप में हैं। कठिनाइयां जरूर होती है परिवार में, आर्थिक कठिनाई आती है कई बार, तो वो महसूस वो करते होंगे जब ये, फिर भी उनको पता है कि अपने से तो कोई जाता नहीं है, वो आज अगर ये तो एमएलए बन गए, ये बड़ी पूंजी है, पैसे या मेल या अच्छी साधन या बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो वो ये सपने नहीं देखते। कब से मैं देख रहा हूँ ये खेत आपका है? हाँ, ये तीन भाइयों का है, ये तीन भाइयों का, वो आपके परिवार के लोग हैं जो वहाँ पर खेती कर रहे हैं? वो परिवार के, ये तीन भाइयों की ये हमारी जमीन है। अच्छा, आपके घर के सदस्य हैं? कभी पोता है मेरा। आपके पोते हैं, आप पूरा परिवार यहीं इसी धोरे पे यहाँ गांव में रहता है? इसी पर हम सारे, जितना परिवार है पूरा मेरा यहीं सारा। पढ़ाई कहाँ से होती है बच्चों? पढ़ाई ये पहले तो यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं है, प्राइवेट में है यहाँ, क्यों गवर्नमेंट स्कूल के लिए गाड़ियाँ लगती नहीं, आज पहले गाड़ी लगी हुई थी बच्चों को ले जाने के लिए, अब उन्होंने क्या कि पैसे वगैरह टाइम पर नहीं देने, गाड़ियाँ बंद होगी, फिर इनको क्या है कि अपने थोड़े बड़े हो गए तो अपने साधन से ये खुद कभी मोटरसाइकिल से जाते हैं कि या दूसरा साधन मिल जाता रहे, तो दिक्कत तो मैं ही महसूस करता हूँ इसमें, ज़्यादातर ये महसूस होता है जो आपने सवाल दागा जयपुर का, कभी आप ये मेरे को महसूस हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, ये यहाँ पढ़ाई में जड़ी दिक्कत जरूर हो रही है इनकी, तो ये पूरा इलाका यहाँ पास में भी एक, मैंने मेरे कार्यकाल में जो प्रधान था मैंने यहाँ माध्यमिक ये एक स्कूल खुलाई थी, और अभी सारी ये कठिनाइयाँ ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये निश्चित रूप से इन बच्चों की पढ़ाई, ये जिंदगी में जो बच्चे कई पैदल भी जाते हैं, मैं जब गांव जाता हूँ तो सब उनको चिढ़वाता हूँ, आज वो जब बड़े होंगे जब अपने क्षेत्र में उतरेंगे तो याद रहेगी मैम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर है यहाँ से, 5 किलोमीटर पैदल जाके हम पढ़ाई कर रहे थे। विधायक जी के पोते और बच्चे, आपने कहा सरकार बचाने में आपका रोल था, हम बलवान जी पुनिया के पास भी गए तो उनका भी ये कहना था, बड़ी बड़ा गहलोत जी का लगाव था जिन्होंने सरकार बचाई, उन विधायकों से उन पर मेहरबान थे, तो कैसा रहा उस कार्यकाल में, क्या क्या कामकाज हुए आपके विधानसभा क्षेत्र में? कि उनका तो देखो सरकार बचने का जो फायदा वो क्षेत्र की जनता को मिला निश्चित रूप से, जितना हाँ मैंने पहला कार्यकाल देखा है इस गवर्नमेंट का जब मैं एमएलए था, जितनी गवर्नमेंट ने घोषणा की लगभग 90% जो घोषणाएं की थी उन्हें वो घोषणाएं क्षेत्र में पूरी हुई है। क्या कारण रहा आपके चुनाव हारने का? देखिए चुनाव हारने के कई कारण हो जाते हैं, एक तो कुछ लोगों में ये भ्रम पैदा भी हो जाता है कि अब एमएलए बन गए अब तो पूरे साधन झोंकेंगे, तो वो थोड़ा साधना के अभाव में वोटिंग बूथ पर नहीं पहुंचा पाए, ये भी थोड़ा कारण रहा। फिर कुछ पारिवारिक समस्या भी मेरे आ गई, मेरे दामाद थे वो चलते चुनाव में एक्सपायर हो गए, तो मैं 12 दिन हुआ रिश्ते हो गया, तो कई कारण हो, ये 2-3 कारण हो, जनता का मूड था आज भी अगर वोट बूथ पर जाते तो रिजल्ट वो 1 पर आया तो वो 3 पर जाते, मैं 1 पर आता, ये जनता का वोट जब हम फील्ड में निकले, आज भी लोग महसूस ये कर रहे हैं कि चुनाव हार कैसे गए इतने वोट होते हुए, कि चुनाव गंभीरता से नहीं, वोट हमने 21 तारीख को रैली निकाली, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट इंडिया के लक्ष्मण राघव आए हुए थे, बीजेपी का लड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आया हुआ था, जब वो हमने नहीं बुलाया था
वो उनको कवर करने के लिए आए थे, उन्होंने क्लियर कहा था कि एक तरफी जीत नजर आ रही है, ये कोई यहाँ राष्ट्रीय नेता इन्होंने बुलाया, पर इनकी एक यही नेता है, यही जनता है, यही सब है, एक तरफी नजर आ रही है, तो लोगों में एक ऐसा हो गया जीत निश्चित है हमारी, तो कुछ क्या आक्रोश लोगों में जो वोट पड़ना चाहिए तो वो जीत पहले मान ली, और वो उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, चार दिन मिल गए, चार दिन मिलने के कारण कुछ लोगों को ये फरकार का कारण रहा। कहाँ देखते हैं राजनीतिक भविष्य में आप अपने आप को? देखिए राजनीतिक भविष्य में तो मैं यही है कि MLA बनना एक बड़ी चीज़ होती है, इससे हम तो अब संघर्ष, पहले ही मैंने कहा संघर्ष के रूप में देखते हैं, आगे लगातार संघर्ष करते रहेंगे, राजनीतिक में यही होता है, जो जनता का फैसला होता है वही सर्वोपरि होता है, आगे आगे चुनाव आएंगे तो फिर जनता के रूप में संघर्ष के रूप में मैदान में रहेंगे, यही। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल अभी चुनाव में लगे हुए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को प्रचार में लग रहे हैं, आप कल इन गांवों में थे, कल नोखा की मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उन गांवों में जाएंगे, आज अभी तो बैठे हैं, आज सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ वीडियोस बड़े आते हैं आपके खेत में काम करते हुए, कैसा चल रहा है खेत में कामकाज कर रहे हैं? कभी कभी जब वो तूफान का दौर था, अतिवृष्टि का, उस टाइम मैं यहाँ था, उस टाइम कोरोना काल के टाइम में टिड्डी आई थी, टिड्डी के टाइम में यहाँ था, तो कोई मजबूरियाँ भी होती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ CPM के पूर्व विधायक, डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक CPM के गिरधारी लाल महिया, हमने लोकसभा चुनाव और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, सादगी भरे जीवन के बारे में जाना कि एक विधायक का जीवन भी ऐसा हो सकता है, एक विधायक का घर भी ऐसा हो सकता है, एक विधायक का परिवार भी आम जनता की तरह, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के आम लोगों की तरह रह सकता है। बने रही हमारे साथ बीकानेर लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।